Assalamu alaikum, this is class 4, subject English, and today we are going to discuss grammar assignment. And this is our grammar assignment, and from these we will do our topics. And today we will do topic number 3, sentence from page number 3 and 4. Before doing grammar assignment topic, we must know what is sentence. And what is sentence? Group of words that gives complete sense is called sentence. Alfazon ka wo majmua jo puri sense hame deta hai, usko kya kehte hain? Sentence. She eats mango. Wo aam khati hai. Ye different words hain jo aapko milke complete sense de rahe hain. Ab agar hum ek aur example lein, shines brightly. Kya chamakta hai brightly? Kya chamak raha hai? Hame nahi pata yahan pe. To this is not giving complete sense. To sentence is what? The group of words that give complete sense is called sentence. Now, what is sentence? There are three parts of sentence. Subject, object, verb. Yani ke teen tarah ke cheeze milke ek sentence banati hai. Humne kaha na different groups of words. So different words kon kon se aajate hai? Usme subject aajata hai, object aajata hai, aur verb aajata hai. Now, what are these? We will know about it. Here are the definitions of subject, object and verb. You must read it and learn it and you have to write it on your copies. Isko yaad karna aap logon ne acche se inki definitions ko. What is subject? One who does some work is called subject. Jo kaam kar raha hota hai usko kya kehte hain? Subject. What is verb? Word shows action. State of being is verb. Wo alfaz jo action aur state of being, kaam ka karna ya hona पाया जाए जिन वर्ड्स में उनको क्या कहते हैं वर्ब. अब व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑन हूम वर्क इज डन, जिस पे काम हो रहा होता है उसको क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट. अब यहां पे आप एग्जांपल ले रहे हैं, एक हमने यहां पे एग्जांपल ली थी शी ईट्स मैंगो. तो ये एग्जांपल में क्या है? शी, वो आम खाती है. कौन आम खा रही है? काम कौन कर रही है? वो, शी. तो व्हाट इज शी? सब्जेक्ट. अब काम क्या हो रहा है हमारे पास? आम के खाने का अमल. तो वो क्या है हमारे पास? खाने का अमल, ईट. व्हाट इज ईट? वर्ब. अब क्या खा रही है वो? किस पे काम कर रही है वो? तो वो किस पे काम कर रही है? वो क्या खा रही है? मैंगो. व्हाट इज मैंगो? मैंगो इज ऑब्जेक्ट. नाउ यू हैव लर्न व्हाट इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. वी विल डू एक्सरसाइज फ्रॉम योर ग्रामर असाइनमेंट. Question number 1 is underline subject, object, verb and write SOVO under them. आपने underline करना subject, object, verb और उसके नीचे लिखना है. ऊपर लिख दीजिएगा S, V and O. First word is we see a big fish. हमने एक बहुत बड़ी मछली देखी. किसने देखी? We. देखा गया है? Fish. क्या देखा गया? जिस पे काम होगा वो, that is object. And देखने का अमल क्या है? Verb. किसने देखी? वी ने. वी इज सब्जेक्ट, सी इज वर्ब एंड फिश इज ऑब्जेक्ट. अब नाउ देयर इज वर्ड रिटन क्रिकेट. कट इट एंड राइट ऑन द राइट साइड अक्रम प्लेस. इसके आगे आपने लिख देना क्रिकेट. अक्रम प्लेस क्रिकेट. अक्रम क्रिकेट खेलता है. व्हाट इज अक्रम? अक्रम इज सब्जेक्ट बिकॉज ही इज प्लेइंग क्रिकेट. व्हाट इज क्रिकेट? क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट बिकॉज वी आर डूइंग सम वर्क ऑन क्रिकेट. और वर्ब क्या हो रहा है? खेलने का अमल. एंड व्हाट इज दिस प्लेस? एज इट इज, इट इज. हम सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको फिल करते जाएंगे. आई राइट एन एसे. व्हाट इज आई? आई इज सब्जेक्ट, लिखने का अमल. राइट, और किस, क्या लिख रहे हैं हम? एसे. एंड एसे इज ऑब्जेक्ट. कैट्स जंप ऑन द रैट. बिल्ली ने चूहे पे जंप लगाई, छलांग लगाई. तो व्हाट इज सब्जेक्ट? किसने लगाई है? बिल्ली ने. किस पे लगाई है? रैट पे. रैट इज ऑब्जेक्ट एंड कैट इज सब्जेक्ट. और क्या लगाई है? छलांग. तो व्हाट इज जंप? इज वर्ब. वी ईट आइसक्रीम. हम लोगों ने आइसक्रीम खाई. तो किसने खाई? वी ने. तो वी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट. ईट क्या हो जाएगा? वर्ब. एंड क्या खाई? आइसक्रीम. तो आइसक्रीम इज ऑब्जेक्ट. यू सिट विद मी. तो मेरे साथ बैठो. तो यू इज सब्जेक्ट, सिट इज वर्ब एंड मी इज ऑब्जेक्ट. यहां पे भी आपने स्काई को कट करना है और यहां पे नीदा के आगे लिखना है नीदा इज प्लेइंग क्रिकेट.
यहाँ से क्रिकेट को कट करके यहाँ पे लिख दें, किसने क्रिकेट खेली? निदा ने, तो निदा क्या है? सब्जेक्ट। प्लेइंग क्या होगा? वर्ब। एंड क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट। ब्लर बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स इज सब्जेक्ट, फ्लाई इज वर्ब एंड स्काई इज ऑब्जेक्ट। स्काई पे उड़ रहे थे तो स्काई क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्काई हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब आई एम अ बॉय, अब यहाँ पे एज ए एक्शन वर्ब वाला नहीं आया, स्टेट ऑफ बींग वाला आ गया। तो आई एम इज वर्ब, मैं लड़का हूँ, मैंने कहा था काम का होना या करना दोनों आएगा। तो आई इज सब्जेक्ट, एम इज वर्ब एंड बॉय इज ऑब्जेक्ट। हैंस ले एग, मुर्गी ने अंडे दिए, तो हैन इज सब्जेक्ट, लेज इज वर्ब एंड वर्ब एंड एग्स इज क्या दिए? अंडे दिए, तो दैट इज ऑब्जेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर टू इज अरेंज दीज वर्ड्स सो दे मेक सेंस। अब उन्होंने वर्ड्स दे दिए, हम लोगों ने क्या कहा था? सेंटेंसेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब वर्ड्स दे दिए, इन्होंने कहा इनको अरेंज करके सेंस बनानी। सेंटेंस तो वही होता है जिसकी सेंस बने, तो यहाँ पे हम करते हैं इनको अरेंज। अच्छा, अब हमने सेंटेंस की फॉर्मेशन चेक की है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। हमने इसी तरह ये सेंटेंसेस को बनाना है। तो इसमें ऑफ आर मिल्क फाउंड कैट्स, अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? कैट्स जो काम कर रही हैं। फिर इसमें वर्ब क्या हो जाएगा? वर्ब से हमने पहले ही पता है कि हेल्पिंग वर्ब आता है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ रहा है आर, वर्ब क्या है? फाउंड पसंद, ऑफ मिल्क, कैट्स आर फाउंड ऑफ मिल्क। अब हमें इसकी सेंस मिल रही है, बिल्ली दूध को पसंद, बिल्लियां दूध को पसंद करती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट सेंस आ गई। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब मिल्क क्रीम ऑब्टेन, यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ है, फॉर्म नहीं आना, फ्रॉम आना है। वी वी ऑब्टेन क्रीम फ्रॉम मिल्क, इसमें हम लोगों ने इसको अरेंज किया तो हमारे पास कंप्लीट सेंस वाला एक सेंटेंस आ गया। एंड दिस इज कॉल्ड सेंटेंस। शार्प कैट्स क्लॉज हैव, कैट्स हैव शार्प क्लॉज, तो बिल्ली के पंजे तेज होते हैं। अब हमारे पास कंप्लीट सेंस आ गया, पहले हमें नहीं पता था कि क्या है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन अब हमारे पास जब कंप्लीट आया तो हमें पता चल गया। इसी तरह आगे और हैं, अफ्रेड कैट्स आर ऑफ आर माइस, अब इसकी समझ आ रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जब हमने उसको अरेंज किया तो हमें समझ आ गई। माइस आर अफ्रेड ऑफ कैट्स, मदर इन देयर केम, क्या मदर इन देयर केम? देयर मदर केम इन, उनकी मामा अंदर आई। दिस इज दीज वर्ड्स वी अरेंज एंड ये मेक अ सेंटेंस विच इज गिविंग अस फुल सेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री इज करेक्ट दीज सेंटेंसेस। अब करेक्ट करने का सेंटेंस का मतलब कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ सेम फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए। अगर कहीं पे चेंजिंग है हेल्पिंग वर्ब का आपने ध्यान रखना है, और आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई वर्ड गलत लिखा हुआ है, गलत तो नहीं होगा, बस हेल्पिंग वर्ब का ही होगा इसमें। तो नाउ द फर्स्ट वर्ड इज आई एम गो टू स्कूल, क्या आई एम गो टू स्कूल? एम इज एम आर वॉज वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है? आई एन जी वाली। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है? आई एन जी वाली। तो इधर एम के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी? आई एन जी वाली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई एम गोइंग टू स्कूल। अब ही प्ले, ही इज प्ले, क्या ही इज प्ले? मैंने कहा इज एम आर के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी? आई एन जी वाली। तो क्या आ जाएगा? ही इज प्लेइंग। अब वी शैल बी प्ले, शैल बी के साथ भी आई एन जी वाली ही फॉर्म लगती है इन फ्यूचर टेंस। वी शैल बी प्लेइंग। अच्छा, वी आर ईट, मैंने कहा इज एम आर के साथ कौन सी फॉर्म लगती है? आई एन जी वाली। तो इसके साथ क्या आ जाएगा? वी आर ईटिंग। गिव इट एट अली, एट होता है किसी की तरफ फेंकना या फेंकना या इशारा करना, तो दिस इज नॉट करेक्ट। तो हम करेंगे गिव इट टू अली, के अली को ये दे दो। दे हैव टेन रुपीज, अब दे हैज टेन रुपीज का ही शी इट के साथ हैज लगता है, बाकी सबके साथ हैव लगता है, तो दे के साथ क्या लगेगा? हैव। दे हैव टेन रुपीज। नाउ वी स्टैंड ऑन द डोर, वी स्टैंड ऑन द डोर नहीं होता, हम ऑन होता है ऊपर और इन होता है अंदर, तो हम दरवाजे के अंदर खड़े होते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी स्टैंड इन द डोर।
अब यहाँ पे आई इज रीडिंग अ बुक. ही शी इट के साथ क्या लगता है? ही शी इट के साथ इज लगता है, और दे वी यू के साथ आर लगता है, और सिर्फ आई के साथ एम लगता है. तो यहाँ क्या आ जाएगा? आई एम रीडिंग अ बुक. तो दिस ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? अंडरलाइन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, राइट एस एंड वी. अच्छा, सब्जेक्ट का पता है हमें कि द वन हु डज सम वर्क, जो काम करता है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. प्रेडिकेट क्या होता है? द ऑल डन विच वॉज डन बाय सब्जेक्ट, जो काम सब्जेक्ट करता है, दैट इज प्रेडिकेट. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन. यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो. कौन जा रहा है? यू. तो यू इज सब्जेक्ट एंड ऑल द वर्क डन इज प्रेडिकेट. शी हैज डन हर वर्क, उसने अपना काम कर लिया. शी इज सब्जेक्ट एंड ऑल द अदर वर्क इज प्रेडिकेट. आई डू माई होमवर्क डेली, मैं अपना काम डेली करता हूँ. तो आई जो काम कर रहा है, और बाकी सारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट. अच्छा, यहाँ पे आपने ख्याल रखना है वेन दा स्टार्ट फ्रॉम सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम दा. जब सेंटेंस दा से स्टार्ट होगा, दा इज आर्टिकल नॉट अ सब्जेक्ट. दा किला कोई काम नहीं कर सकता. हम उसके नेक्स्ट वाला सब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि हमने कहा सब्जेक्ट जो काम करता है. दा तो कोई काम नहीं करता, दा तो बस ये बताता है कि वो स्पेसिफिक है या नहीं है. तो दा इज दा गर्ल को हम यहाँ पे लेंगे. द गर्ल वॉज व्हिपिंग ब्रिटली. तो लड़की बड़ी लड़की जो रो रही है, तो उसको हम दा गर्ल पूरे को लेंगे सब्जेक्ट, और बाकी सारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट. आई एम डूइंग माय वर्क, आई एम डूइंग वर्क. तो आई क्या हो जाएगा? मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो आई सब्जेक्ट, और बाकी सारा क्या हो जाएगा? अदर वर्ड प्रेडिकेट. क्या हो जाएगा बाकी सारा? प्रेडिकेट. नाउ यू हैव डन ऑल द ग्रामर असाइनमेंट टॉपिक ऑल ग्रामर वर्क ऑफ टॉपिक नंबर 3, एंड दिस विल बी डन योर होमवर्क. ये आपका होमवर्क है, आपने घर में अच्छे से करना है. और टेस्ट कॉपीज पे थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, एंड अल्लाह हाफिज़.